हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप लोग देख रहे हैं एक्टिव फायर। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर हमेशा साइंस के एक्सपेरिमेंटल और टेक्नोलॉजिकल वीडियोस बनाए जाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक पूरे चिपके रहें। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल है, और इतना तो आप सभी को पता ही है, मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ फुल सेफ्टी के साथ करता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कभी भी अपने घर पे या कहीं भी ट्राई कीजिए, तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी जरूर बरती है, ठीक है। उसके लिए तो आज का जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है जो एक्सपेरिमेंट, उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है एक कप, ठीक है, जैसे बीकर जिसे हम बोलते हैं, एक बीकर ले लीजिए। और जो जो आर्टिकल्स मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, आप सभी को सबसे पहले उसको इकट्ठे कर लेना है। उसके बाद लेना है बीकर में थोड़ा सा पानी, कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगी आपको इसमें, ठीक है, और आपको इसमें आयरन नेल्स की जरूरत पड़ेगी। या तो आप आयरन नेल्स ले सकते हैं या आयरन पिंस ले सकते हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं जिससे आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। और ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वीडियो के लास्ट तक देखिए। आप सभी को ले लेना है एक बीकर में थोड़ा सा पानी, ठीक है, और उसमें हमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की हम लोग पाउडर यूज कर सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। उसको सबसे पहले स्टिर कर लीजिए, उसको अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। आप उसको सबसे पहले सावधानी जरूर रखें कि ये जो भी है और ये एक्सपेरिमेंट जहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, या तो ग्लास का, मतलब कांच का ग्लास होना चाहिए, ठीक है, ग्लासिकल ट्यूब होना चाहिए या ग्लास का बीकर होना चाहिए, मतलब कांच से रिलेटेड कोई भी बर्तन यूज करें, ठीक है। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा आयरन नेल्स। आप इसके जगह पे आयरन नेल्स की जगह पे आयरन पिन भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था वीडियो में, आप उसको उसमें डालिए, ठीक है। उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, वन डे के लिए छोड़ दीजिए। एक दिन के बाद जब आप उसको देखेंगे, ठीक है, तो जो आयरन नेल्स होंगे उनके ऊपर कॉपर, जो कॉपर है, कॉपर की कोटिंग मिलेगी आप सभी को। ऐसे बोल दिया जाता है ना कि कॉपर की कोटिंग कैसे होती है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, इसके लिए भी ये वीडियो बेस्ट था, ठीक है। और कॉपर की कोटिंग कैसे आती है, ठीक है, ये मैंने आप सभी को बता दिया। आप एक्सपेरिमेंट कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर की कोटिंग किसी को देखनी है, कॉपर की कोटिंग वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है किसी को, तो ये वीडियो पूरा देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही होता है कॉपर की कोटिंग वाला एक्सपेरिमेंट। थैंक्स गाइज, आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही रियल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।